मिसिसागा स्ट्रीट्स विल तो एमपीपी नीना टांगरी वालों ऐलान किया गया है कि सोशल सर्विसेज रिलीफ फंड के रूप में पील रीजन नू वादू 5,669,000 डॉलर हासिल होंगे। इस फंड नू अहम सेवावां दी डिलीवरी, होमलैस शैल्टर स्टाफ ते रेजिडेंट्स दी हिफाजत, शैल्टर फैसिलिटीज दी मुरम्मत कराउण ते उन्हां नू खरीदन, हाउसिंग संबंधी लंबे हल लभण, भविख विच होण वालियां आउटब्रेक्स जां एमरजेंसीज लई तैयार करन लई खर्चा जा सकेगा। एमपीपी नीना टांगरी ने आख्या कि उन्हां दी सरकार कमजोर नागरिकां नू सुरक्षित रखण लई फोर फंडिंग मुहैया करवा के कोविड-19 नाल जुड़ियां लोड़ां पूरियां करन दी कोशिश कर रही है। उन्हें भी कहा कि कोविड-19 ने घर की अहमियत एक बार मुड़ उजागर कर दी है ते इस वाधू फंडिंग नाल यकीनी बनाया जाएगा कि हर कोई अपने सिर उते सेफ अते सुरक्षित छत हासिल करन विच कामयाब हो सके। ओंटारियो सरकार वालों प्रोविंस भर विच म्यूनसीपैलिटीज से मूलवासी कम्युनिटीज लई 120 मिलियन डॉलर वाधू निर्धारित किए जाएंगे ताकि वह कोविड-19 महामारी दौरान कमजोर लोगों की मदद कर सकन। इस दौरान म्यूनसीपल अफेयर्स ते हाउसिंग संबंधी मंत्री स्टीव क्लार्क ने कहा कि साड़ी सरकार महामारी दौरान म्यूनसीपल ते मुलबाजी भाईवालों लई अहम निवेश करना जारी रहेगी। पब्लिक हेल्थ संबंधी हालात सुधारन नाल असी होर सहयोग मुहैया करवा रहे हाँ ताकि भाईवाल उन्हां दी मदद कर सकन जिन्हां नूं इसकी सब तो ज़्यादा लोड़ है। रीजनल म्यूनसीपैलिटी ऑफ पील दे रीजनल चेयर ते CEO नैंडो लानिका ने कहा कि कोविड-19 संबंधी काम करना ते लोकां दीयां जिंदगियां बचाउण लई सारी कम्युनिटी नूं रल के काम करना होएगा, जिस तों भाव है कि सानू उन्हां कमजोर लोकां दी मदद लई हमेशा तैयार रहना होएगा जिन्हां उत्ते सेहत, समाजिक अते आर्थिक मामलों का सब तो ज़्यादा असर पैंदा।